हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, कल हमने लॉन्ग आंसर पढ़े थे चैप्टर वन के, द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी। आज की वीडियो में हम हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे शॉर्ट आंसर। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हाउ डिड द नरेटर्स ग्रैंडफादर अपियर इन द पोर्ट्रेट? लेखक के दादाजी पोर्ट्रेट में यानी कि फोटो में कैसे लग रहे थे? आंसर देखिए, द नरेटर्स ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट वॉज हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। उनका जो पोर्ट्रेट था, उनका फोटो कहाँ टंगा हुआ था? मेंटल पीस, अंगीठी के ऊपर, ड्राइंग रूम में। लेखक के दादाजी का पोर्ट्रेट अंगीठी के ऊपर ड्राइंग रूम में टंगा हुआ था। ही वोर अ बिग टर्बन, वो पहने थे एक बड़ी सी पगड़ी, एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स, और ढीले ढाले कपड़े। His long, उनकी लंबी white beard, सफ़ेद दाढ़ी covered, ढके हुए थी। The best part of his chest, उनके सीने का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा ढके हुए थी उनकी दाढ़ी। And he looked at least, और वो दिखाई दे रहे थे at least, लगभग 100 years old, और वो लगभग 100 वर्ष के दिखते थे। इतने बूढ़े दिखते थे कि वो लगता था उनकी उम्र 100 वर्ष की है। एक बार फिर से रीडिंग करते हैं जल्दी जल्दी। द नरेटर्स ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट वॉज हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। ही वोर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लोथ। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years old। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। डिस्क्राइब द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर द ग्रैंड मदर। दादी माँ का सबसे खुशी वाला आधा घंटा डिस्क्राइब कीजिए, वर्णन कीजिए कि उनका पूरे दिन का सबसे खुशी वाला आधा घंटा कौन सा बीतता था। आंसर देखिए, द ग्रैंड मदर यूज टू गिव स्मॉल पीसेस ऑफ ब्रेड टू द बर्ड्स। दादी माँ देती थी छोटे छोटे टुकड़े रोटी की बर्ड को, चिड़ियों को छोटे छोटे टुकड़े देती थी। वाइल सिटिंग इन द वरांडा इन द आफ्टरनून, जब दोपहर में वो बरामदे में बैठती थी तो वो चिड़ियों को छोटे छोटे ब्रेड के पीस, रोटी के टुकड़े दिया करती थी। द हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बेडलम, और सैकड़ों चिड़िया इकट्ठा हो जाती थी उनके चारों ओर, और एक सच्चाई का पागल खाना जो है चींची करके बना देती थी। जैसे मतलब इतना चींची करती थी कि वो बिल्कुल पागल खाना लगने लगता था। तो वो जब सब चारों तरफ घूम घूम के एक वेरिटेबल बेडलम, एक सच्चाई भरा यथार्थ का पागलखाना जैसा बना देती थी शोर करके। सम केम एंड पर्स्ड ऑन हर लेग, कुछ आती थी और उनके पैरों पर बैठ जाती थी। पर्स्ड मीन्स होता है बैठना, शोल्डर कंधे पे बैठ जाती थी, और इवन ऑन हर हेड, और यहाँ तक कि उनके सर पर भी बैठ जाती थी। शी स्माइल्ड बट नेवर शूट देम, वो स्माइल करती थी, मुस्कुराती थी, लेकिन कभी भी उन्हें शू नहीं करती थी, मतलब भगाती नहीं थी। दे शूट देम अवे, उन्हें दूर नहीं भगाती थी। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ एन आवर ऑफ द डे ऑफ हर, यही जो आधा घंटा हुआ करता था वही उनका पूरे दिन का सबसे खुशी वाला टाइम होता था, समय होता था जो आधा घंटा वो अपनी चिड़ियों के साथ बिताती थी। चलिए एक बार फास्ट रीडिंग कर लेते हैं। ग्रैंड मदर यूज टू गिव स्मॉल पीसेज ऑफ ब्रेड टू द बर्ड्स वाइल सिटिंग इन द वरांडा इन द आफ्टरनून। द हंड्रेड ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बेडलम ऑफ चिरपिंग्स। सम केम एंड पर्स्ड ऑन हर लेग्स, शोल्डर्स, एंड इवन सैट ऑन हर हेड। शी स्माइल्ड बट नेवर शूड हिम अवे। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे ऑफ हर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डिड द नरेटर एंड द ग्रैंड मदर बिकेम गुड फ्रेंड्स? लेखक और उनकी दादी माँ कैसे अच्छे मित्र हो गए? इन हिज चाइल्डहुड, उनके बचपन में, मतलब नरेटर के बचपन में, हिज पेरेंट्स लेफ्ट हिम विद हर ग्रैंड मदर, उनके माता पिता ने उन्हें अपनी दादी माँ के पास छोड़ दिया। व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, जब वो शहर में रहने के लिए गए। शहर में किस लिए रहने के लिए गए थे? उन्हें वहाँ पे अपना बिजनेस सेटल करना था। देन दे वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर,
और वहां पे वे लगातार एक साथ रहते थे। शी यूज टू वेक हिम अप, वे उन्हें जगाती थी, एंड गेट हिम रेडी फॉर स्कूल, और स्कूल के लिए तैयार करती थी। इन दिस वे द नरेटर एंड द ग्रैंड मदर बिकेम गुड फ्रेंड, इसी तरीके से लेखक और जो उनकी दादी माँ थी अच्छे दोस्त बन गए। एक बार फास्ट रीडिंग कर लेते हैं। इन हिज चाइल्डहुड हिज पेरेंट्स लेफ्ट हिम विद हर ग्रैंड मदर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, देन दे वर कंस्टेंटली टुगेदर। शी यूज टू वेक हिम अप एंड गेट हिम रेडी फॉर स्कूल। इन दिस वे द नरेटर एंड द ग्रैंड मदर बिकेम गुड फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। How did the grandmother spend her time when the narrators went to the university? जब विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए लेखक गए तो दादी माँ अपना समय कैसे बिताती थी? When the narrator went to the university, जब narrator लेखक विश्वविद्यालय में पढ़ने गए, she rarely left her spinning wheels. वो अपना सूत कातने का चरखा बहुत कम छोड़ती थी। To talk to anyone, किसी से भी बात करने के लिए, मतलब वो अपना चरखा नहीं छोड़ती थी और बात कम करती थी। From sunrise to sunset, she sat by her wheel, spinning and reciting prayer. सुबह से लेकर सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक वो बैठी अपना जो चरखा चलाती रहती थी और अपनी प्रार्थना को गाती रहती थी। In the afternoon, she fed the sparrows. और दोपहर के समय वो चिड़ियों को खाना खिलाती थी। एक बार रीडिंग कर लेते हैं जल्दी जल्दी। When the narrator went to the university, she rarely left her spinning wheel. To talk to anyone, from sunrise to sunset, she sat by her wheel spinning and reciting prayer. In the afternoon, she fed the sparrows. Next question, last wala dekh lete hain ek baar. Why could the grandmother not walk straight? Jo unki dadi maa thi, wo seedha kyun nahi chal paati thi? The grandmother could not walk straight. Dadi maa सीधे नहीं चल सकती थी बिकॉज क्योंकि शी वॉज शॉर्ट, वो छोटी थी, एंड फैट थोड़ी मोटी थी, एंड बेंट स्लाइटली और झुकी हुई थी। शी पुट वन हैंड ऑन हर वेस्ट टू सपोर्ट द स्तूप। वो अपना एक हाथ अपनी कमर पे रख के अपने जो कूबड़ होता है, स्तूप मतलब होता है कूबड़, अपने उठे हुए हिस्से को सपोर्ट देने के लिए, झुके हुए हिस्से को, निकले हुए हिस्से को जो कूबड़ होता है उसको सपोर्ट देने के लिए अपना एक हाथ कमर पे रखती थी और एक हाथ अपना अपने माला पकड़ के चलती थी। तो वो बहुत ज़्यादा बूढ़ी भी थी ना, इसलिए वो सीधा नहीं चल पाती थी। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपको अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। ऐसे ही वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। बाय।